हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज आई क्यू साइंस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरआरवी एलपी जो साइको का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने परसेंट स्टूडेंट जो है प्रेजेंट थे और कितने परसेंट स्टूडेंट अबसेंट थे। तो जिन स्टूडेंट ने इसका एग्ज़ाम नहीं दिया है अगर वो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी कि उसकी कट ऑफ को अगर वो क्वालिफाई करेंगे जो टेक्नीशियन की कट ऑफ लगेगी, तो उन्हें जो है टेक्नीशियन की पोस्ट मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा है कि टेक्नीशियन वर्ग में मिलेगी नौकरी, यानी कि जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है लोको पायलट का, साइको का, उन्हें टेक्नीशियन वर्ग में जो है नौकरी मिलेगी। रेलवे नियमों के तहत सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए नज़र की वजह से दक्षता परीक्षा से अयोग्य अभ्यर्थियों को टेक्नीशियन वर्ग में नौकरी मिलेगी, और इसके लिए आपको कट ऑफ जो वो सेट करेंगे उससे आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए या उतने होने चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो लिखा है। हालांकि इसके लिए उन्हें मुख्य लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर कट ऑफ मार्क्स की सूची में स्थान बनाना होगा, जो आपका पार्ट जो सीबीटी सेकंड हुआ था जिसमें पार्ट ए पार्ट बी था, तो पार्ट ए में अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आते हैं या कट ऑफ जितने आते हैं तो आपको टेक्नीशियन की पोस्ट मिलेगी जिन्होंने लोको पायलट का एग्ज़ाम नहीं दिया है। अब देखते हैं कि जो साइको का एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी साइको का, उसमें कितने परसेंट बच्चे जो है प्रेजेंट थे और अबसेंट थे। तो इसका मेन रीज़न एक यही रहा कि जो आई साइड बच्चों की वीक थी उसकी वजह से इस एग्ज़ाम को उन्होंने नहीं दिया, ताकि अगर वो टेक्नीशियन की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें वो पोस्ट मिल सके। तो यहाँ पर 77% जो स्टूडेंट थे वो प्रेजेंट थे और बाकी अबसेंट थे, तो काफ़ी जो है ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट अबसेंट थे, क्योंकि इसमें लगभग 23% स्टूडेंट जो है अबसेंट हुए हैं। और ये जो न्यूज़ निकली है ये आरआरबी अजमेर की है, जिसमें आरआरबी अजमेर में 1112 जो है पोस्ट वो साइको के लिए है, जिसमें उन्होंने 8,899 स्टूडेंट को जो है साइको एग्ज़ाम के लिए बुलाया था, जिसमें से मात्र 77% स्टूडेंट वहां पर प्रेजेंट रहे, बाकी अबसेंट रहे। तो आप इसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 25% स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अबसेंट हो रहे हैं। तो एक एक ब्रीफ आइडिया है कि लगभग सभी जोन में इसके आसपास ही स्टूडेंट जो है अबसेंट रहेंगे। आप जो है 25-30% तक कह सकते हैं कि आई साइड वीक होने के कारण स्टूडेंट अपसेट रहेंगे। इसके इस कारण जो आरआरबी एएलपी की जो कट ऑफ है उस पर जो है फ़र्क पड़ेगा, यानी कि वो लो ही जाएगी, क्योंकि इसमें 25% बच्चे तो वैसे ही बाहर हो जा रहे हैं, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि लो होने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। तो आज यही आपको बताना था, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।